हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रिपल कैरी। तो आप लोगों को तो पता ही होगा कि अप्रैल में हम लोग कश्मीर ट्रिप पे गए थे और उस ट्रिप में हमने काफी जगह कवर किया था। जो चीज आपको नहीं पता है वो है कि उस ट्रिप में हम लोग वाराणसी भी गए थे। तब हम लोग वाराणसी का ब्लॉग पब्लिश नहीं कर पाए क्योंकि वी हैड सम हेल्थ इश्यूज। अनिता को हॉस्पिटलाइज होना पड़ा एंड देन स्टुआ हैड सम मेजर इश्यूज। नाउ दैट वी थिंक इट्स द राइट टाइम टू पब्लिश द वीडियो, आज हम लोग लेके आए वाराणसी वाला ब्लॉग। बट बिफोर दैट, बिफोर जंपिंग इनटू द वीडियो, आई रियली वांट टू थैंक रूपदा, सुमित एंड शुभव्रत, जिन लोग ने पूरा ट्रिप हम लोग को हेल्प किया विद प्लेसेस एंड देन दे मोटिवेटेड अस। सो थैंक यू गाइस। सो आप लोग जाइए वाराणसी का ब्लॉग देखिए और जल्दी वाराणसी जाने का प्लान भी बनाइए। बट बिफोर दैट डू सब्सक्राइब टू ट्रिपल कैरी। गुड मॉर्निंग यू गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रिपल कैरी। तो आज की मॉर्निंग की शुरुआत हुई है बनारस में। पूजा की आवाज आ रही थी तो उसी से मेरी नींद खुली और ये अच्छा है ना, आज की शुरुआत कश्मीर में, आज की शुरुआत लखनऊ में, आज बनारस में। आई एम गोना मिस इट फ्रॉम टुमारो। बनारस ना एक वाइब है, मतलब एंड आई एम लविंग इट। कल घूमने के बाद मुझे इतना पसंद आया, मैं तो वेट कर रही हूँ कि कब हम होटल से निकले और बाहर घूमने जाएं। होटल के टेरेस पे आए और थोड़ा सा गैंजेस दिखता हुआ इधर और इधर। ये अपना पार्किंग एकदम अस्सी घाट के सामने। इट्स 11:23 नाउ एंड वी आर लीविंग नाउ। सब नहा धो के रेडी हो गए हैं तो अभी प्लान है, देखते हैं गाड़ी पार्क करके ही अगर स्कूटी मिल जाए तो वो स्कूटी लेके थोड़ा मंदिर भी जाना, ये सब घूम के आके फिर नेक्स्ट पार्ट के लिए स्तुवान का टिफिन विफिन पैक करके फिर घाट पे जाना है आरती देखने के लिए। और स्तुवान का लंच अभी पैक कर लिया है क्योंकि अभी भी 1 आवर है उसके फीड को, तो इसीलिए पैक कर लिया है। काशी राइडर्स, तो ये लोग इलेक्ट्रिक स्कूटी रेंट करने देते हैं एंड इट इज एट अ वेरी चीप रेट, ओनली 35 पर आवर, नो सिक्योरिटी डिपॉजिट। अगेन अनफॉर्चुनेटली वी आर लेट, सब स्कूटी निकल गई है। अभी भैया एक नंबर दिए तो विल सी कि उधर मिलता है कि नहीं, वो पेट्रोल वाली है, देखते हैं मिलता है कि नहीं। अनिता इज ट्राइंग टू कॉल दैट नंबर। तो हम लोग निकल ही रहे थे तब एक स्कूटी आ गया तो थोड़ा चार्ज करके अभी निकल गए। टाइम हो रहा है 12:30 और ये अपना छोटू इधर है। स्तुवान सो चुका है तो मैं ये वाइट रुमाल है उसके सिर पे रख ली हूँ ताकि उसको धूप ना लगे, काफ़ी धूप है। और यहाँ मंदिर खड़े हैं अभी जाम में, लंबा लाइन है इधर और जो धूप है स्तुवान को लेके तो खड़े हो सकते हैं। तो हम लोग काशी विश्वनाथ टेम्पल गए थे तो वहाँ पे बहुत लाइन थी, अच्छे वाले पुलिस ऑफिसर थे तो उन्होंने बोला बच्चा लेके आप इस लाइन पे आ जाओ। तो हमने पूजा भी दे दी, सब कुछ हो गया बड़े आराम से, कुछ मुश्किल नहीं हुआ। और ये पूजा की डाली और अभी बस यहाँ पे बैग और जूते रख के गए थे तो वही ले रहे हैं। एक VIP वाला लाइन था।
साक्षी जा रहे हैं एटीएम से पैसे निकालने, क्योंकि यहाँ होटल्स में कैश पेमेंट करना है और हमारा कैश बिल्कुल ख़त्म हो गया था, क्योंकि उसके बाद हम लंच करने का जगह ढूंढेंगे। इसका लंच तो पहले ही हो चुका था जब हम लोग वो स्कूटी लेने गए थे, तभी हो चुका था। यहाँ पे एटीएम पे रुके थे। एक अंकल जी ने सजेस्ट किया कि हम मिंट गार्डन आए, मिंग गार्डन आए, तो अभी ये चाइनीज रेस्टोरेंट है तो हम यहीं पे लंच करने आए हैं। द सीट्स आर फुल ओवर हियर, तो अभी थोड़ा वेट करना होगा। Finally our order is here after like 30-35 minutes of waiting and some yelling. I mean, with a lost it, we just went and yelled at the manager. A 2 minute mein khana aa gaya. So this is for Sumit and obviously for Anindita too. Ye dono ka saazish aur hum log pahunch gaye Pehlwan Lassi. लस्सी नहीं मिला, चम्मच से ही काम चला रही है। तो ये है संकट मोचन टेम्पल। स्तुवान रोड आता तो फिर वो होटल चला गया, तो मैं इधर आ गया। नन ऑफ द बोट्स आर प्लाइंग, तो आज बोटिंग पूरा बंद है, तो जो है इधर से ही देखना है लोग को। अभी तो सीट मिल गया, पर अभी होटल रूम वापस जाने के बाद सीट मिलेगा कि नहीं पता नहीं। अभी 80 घाट पे है, इट हैज स्टार्टेड रेनिंग ऑल ऑफ अ सडन, तो इसीलिए आनंदिता इज विद स्तुवान, तो मैं अकेला आ गया इधर। अगर थोड़ा कम हो जाता है बारिश, आनंदिता इज प्लानिंग टू ब्रिंग स्तुवान इन। आरती शेल स्टार्ट इन द नेक्स्ट 15 मिनट्स। खड़े हैं और फिर भी जयकारे में बिल्कुल दब गए हैं। बनारस के लोग ठंडे पड़ जाएंगे, हम लोग बनारस में हैं, महादेव की नगरी काशी में हैं। मेरे छतरी के नीचे आई हैव अ फ्यू डिवोटीज, सब आ गए। पार्टी इज ओवर, अभी हम लोग जा रहे हैं होटल की तरफ। अनिता तो आ नहीं पाई बिकॉज इट वॉज वेरी हार्ड, तो अभी जाके देखते कि वो वापस निकलेगी कि नहीं। तो आज जो आरती था वो तो मेरा मिस हो गया, मेरा और सुवान दोनों का भी, और बहुत जोर से बारिश हो रही थी। तो अभी आए हैं थोड़ा वॉक करने, फिर डिनर करके वापस जाएंगे। सो अभी आके ना इस पे नज़र पड़ी है, ये सारे जो घाट है वो सब नंबर्स देके दिए हुए हैं, उनका नाम दिया हुआ है। एंड सुवान का भी डिनर टाइम हो गया।
हम लोगों का डिनर डन हो गया, हमने खाया डोसा उत्तपम मोमोज। कल से हम चाट पे और स्ट्रीट फूड पे जिंदा हैं। और अभी चल रहा है कुल्फी, राजस्थानी कुल्फी, और मैंने 3 लॉलीपॉप्स भी खरीदे। Hey guys, good morning. One last time from Banaras Ghat. तो सुबह उठ के लगा कि एक बार सनराइज का, एज एविडेंट फ्रॉम माई फेस आई जस्ट गॉट अप एंड आई केम रनिंग। आज बोट्स भी प्लाई होना चालू कर दिया है, अनफॉर्चुनेटली कल तो हम लोग ले नहीं पाए, अभी टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी निकल जाएंगे। वन लास्ट टाइम श्योर आएंगे। थैंक यू भाई, आपका नाम? ओके, थैंक यू। इट्स टाइम टू चेक आउट। अभी 8:30 हो रहा है, थोड़ा लेट हो गया, जाने का मन तो नहीं हो रहा था। अब मैं और अनिता बैठ के कुछ देर सोचे कि आज जाना है कि आज रुक जाना है, बट फाइनली ऑफिस का काम देखते हुए अभी निकलना ही पड़ेगा। इट हैज़ बीन अ 17-day ट्रिप एंड इट हैज़ बीन अ लॉन्ग वन। कल भी इस भैया से हम लोग इडली खाए, इनका फ्राइड इडली मस्त होता है, तो आज निकलने से पहले टेस्ट करके ही निकलेंगे। निकल चुके हैं, ट्रिप खत्म होना इतना दुखदायक क्यों होता है? Well, not for him. Everywhere he goes. He doesn't want to leave as well. वो होटल से निकल नहीं रहा था। Almost 12 और रास्ते का हालत तो बहुत ख़राब है। We don't know when we'll reach today. कनेक्शन एस्टेब्लिश कर पाए। होटल सूर्यमणि, इस रेस्टोरेंट में रुके, भूख लग गया था और स्तुवान को भी थोड़ा बाहर निकलना था, तो ये रहा रेस्टोरेंट। वो हमने लिया है जीरा राइस और कढ़ाई चिकन। सप्तशी काफी दिनों बाद नॉनवेज खा रहा है, तो अच्छा है, टेस्ट अच्छा है। हेलो, सो एज वी अप्रोच द एंड ऑफ द टूर, मुझे कुछ कुछ चीज़ कहना था अबाउट द टूर एंड अबाउट द पीपल इन द टूर। सो द स्टार्ट्स ऑफ द टूर, ऑब्वियसली इट हैज़ टू बी स्तुवान एंड हिज मॉम अनिंदिता, बिकॉज स्तुवान तो ठीक है, शी हैंडल्ड मी ब्रिलियंटली टू, सो शी हैंडल्ड बोथ द किड्स ब्रिलियंटली इन द टूर। And you know how tough it is for a mother to arrange everything from morning. She used to get up at 6 and I would never get up at 6. Sometimes at 7 to help her, but 6 to kabhi nahi. So I tried my best, but obviously she did all the heavy lifting. So I'm proud that I have a wife like her and Stuvan has a mom like her, because that's the reason कि हम लोग टूर कर पाते हैं। एंड इमेजिन द लेंथ ऑफ द टूर, 17-18 डेज, एंड शी डज दिस रेगुलरली, एवरी मॉर्निंग शी गेट्स अप एंड देन द मॉरल सपोर्ट दैट इज अनपैरेलल्ड। सो गुलमर्ग एंड सोनमर्ग, देर वॉज अ टाइम वेर वेन आई थॉट अगेंस्ट इट, बिकॉज इट वॉज रेनिंग इन द प्लेन्स वुड मीन स्नोइंग इन द माउंटेन्स, तो मैंने सोचा कि गाड़ी लेके रिस्क नहीं लेना है, बिकॉज दिस इज अ टू व्हील ड्राइव कार, इट्स नॉट अ फोर व्हील ड्राइव। सो मुझे डर लग रहा था, बट शी यूज़ टू बूस्ट मी कॉन्स्टेंटली कि नहीं तुमसे हो जाएगा, हो पाएगा, एंड इट हैपेंड नॉट इन गुलमर्ग बट सोनमर्ग। इट वॉज कवर्ड इन स्नो, बट इट ऑल हैपेंड सो सीमलेसली एंड थैंक्स टू हर, क्योंकि एक्चुअली सब इधर ही है, ड्राइविंग सबको आता है, पर फिर भी लोग गाड़ी लेके हिल्स पे नहीं जाते। नाउ दैट आई एम अ फादर, नाउ दैट आई हैव स्तुवान इन माई लाइफ, रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा बढ़ गया है, दर्द थोड़ा ज़्यादा लगता है। आई अवॉइड ओवर स्पीडिंग,
एकदम कॉन्स्टेंट स्पीड पे क्रूज करना वो भी एक आदत बन रहा है. ऑल ऑफ दैट हैपेंस व्हेन यू बिकम अ डैड. और इसीलिए डर, एंड वो डर वॉज हैंडल्ड ब्यूटिफुली बाय अनिंदिता थ्रू आउट द टूर एंड स्तुवान. सो वॉट कैन आई से, जो अ पर्सन हु हैज नेवर सीन स्नो आइस, मुझे लगा कि डर जाएगा, बट वो बैठा स्नो के साथ खेला, पूरा टाइम बिताया, एंड इट वॉज वंडरफुल टू सी बोथ ऑफ देम हैविंग सच अ लवली टाइम टुगेदर. तो मेरा ये था हाईलाइट ऑफ द टूर. नाउ कमिंग टू द प्लेसेस, इट हैज़ टू बी सोनमार्ग, चंदनवाड़ी, ताजमहल एंड स्वर्ण मंदिर. ताजमहल एंड गोल्डन टेम्पल बिकॉज आई नेवर बीन टू दीज प्लेसेस, एंड मेरे को बहुत दिन से इच्छा था कि मैं जाऊँ देखूँ. एंड सोनमार्ग एंड चंदनवाड़ी बिकॉज वी फाउंड वी गॉट अ लॉट ऑफ स्नो देर, सो दैट्स वाई दीज टू प्लेसेस. एंड आई वुडंट से कि बाकी प्लेसेस खराब थे. द होल टूर मुझे नहीं लगता एक भी दिन हम लोग बोर हुए. एवरी प्लेस वी वेंट वी हैड फन, एंड एवरी प्लेस हैड समथिंग और दी अदर टू ऑफर. सो दैट वुड बी माई समरी ऑफ द टूर इन अ नटशेल. तो आज जब वी आर रिटर्निंग होम, माई हार्ट इज कंटेंट. मतलब देर इज सो मच सेटिस्फेक्शन दैट आई हैव. वी मेट सो मेनी पीपल ड्यूरिंग दिस ट्रिप, उनसे बात हुआ, उनकी स्टोरीज उन्होंने शेयर की, हमने हमारी स्टोरीज शेयर की, एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ रोड ट्रिप. एंड क्योंकि अस्तुवान हमारे साथ था तो काफ़ी लोगों से ऐसे बात हुआ. कुछ एक तो आए थे, दैट वॉज इन चंदनवारी, ही केम एंड सेड कि मुझे अस्तुवान का एक फोटो लेना है, क्योंकि उनके वहाँ पे कोई बच्चा लेके घूमने देने मतलब किस परमिट नहीं करता, क्योंकि सब बच्चा छोटा है, नहीं लेके जाना ये सब. तो ही वॉन्टेड प्रूफ, तो वो अस्तुवान का फोटो लेके गए. इट्स 9 o'clock नाउ एंड अस्तुवान जस्ट फिनिश्ड हिज डिनर. We are still 1 hour 25 minutes away from home, and Saptashi ki tabiyat thodi theek nahi hai, usne ulti bhi ki, so these last 4-5 hours is being really hectic.